अभी हम डंकी देख के बाहर निकले हैं और डंकी के अंदर बड़ा मजेदार सीन है जो दो मिनट का सीन है। हम यहाँ दो दो मिनट के इंटरव्यू हम भी लेते हैं कि डंकी के अंदर है कि दो मिनट इंग्लिश बोलनी होती है, तो यहाँ दो मिनट फिल्म के बारे में बोलना है। तो आप क्या, आपने फिल्म देखी, कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छी है। लाइक मैं वैसे पंजाब से हूँ तो मुझे तो ये वाला पूरा पता था डंकी का, तो इट्स वेरी यू नो ट्रिकी, बहुत सारे लोग करते हैं, सो अच्छा नहीं है। और एक अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर इन्होंने बनाई है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाकी एक्टिंग की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी थी, शाहरुख खान की, बाकी जितने भी किरदार थे सब अच्छे थे। अच्छा, जैसे आपने कहा पंजाब और हरियाणा, शायद दोनों जगह ऐसा ही हाल है। हरियाणा के अंदर भी यही हाल है कि गुरुद्वारे हैं जो बिल्कुल सच दिखाया है, अच्छी खासी रिसर्च की हिरानी साहब ने, गुरुद्वारे भी दिखाए जिस तरह जहाज चढ़ाए जाते हैं, और उसी तरह के डंकी का पूरा मतलब एकदम काला सच एकदम उठा के सामने रख दिया है। राइट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी सारी मूवीज़ ऑलरेडी पंजाब में भी बनी है इसी पे, और आप कभी यूट्यूब पे भी सर्च करना इस पे, आपको काफ़ी सारा डेटा बेस मिल जाएगा उसमें। तो अच्छे है, लोगों को समझ आना चाहिए कि क्यों हमें नहीं जाना चाहिए बाहर, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। अच्छा, जो आप कह रहे हैं मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। आज मैक्सिको चली है फिल्म थी, जिसको जिस दिन से डंकी का नाम शुरू हुआ उस दिन से नाम चल रहा है कि कॉमरेड अमेरिका, कॉमरेड इन अमेरिका वो, और इधर से मैक्सिको चली है पंजाबी फिल्म, विर्क की फिल्म थी शायद ना, तो दोनों के वही कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि रीमेक है रीमेक है रीमेक है, तो क्या जनता को फ़र्क पड़ता है कि रीमेक अच्छी फिल्म है नहीं अच्छी फिल्म? व्हाट आई फील रियल इमोशन मैटर, फर्स्ट व्हेन शाहरुख खान एंटर आई गॉट गूस बम्स, एंड आई कांट रिकॉल व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई क्राइड वाचिंग अ मूवी, एंड इट वाज वेरी इमोशनल। आई एम स्टिल स्टंड एंड आई एम जस्ट वेरी इमोशनल। सो like he said, I'm also from Haryana. Okay. There is one friend of mine, he was trying to go to Australia from last 10 years and he just got a chance to go there now. So I can relate, I heard stories when I was in college, so real emotion. There are no words to express actually. हिरानी साहब की खासियत यही है, वो अपनी कहानी ऐसे बनाते हैं कि कहानी रोचक भी लगती है, आप इमोशनल भी होते हैं, कनेक्ट भी होते हैं, लेकिन बस मुझे लगा कि शायद ये इस फिल्म का स्टैंडर्ड शायद थ्री इडियट्स, पीके, वहाँ से थोड़ा डाउन था, लेकिन कहानी अच्छी अपने आप में। एग्जैक्टली, अगर हम उस प्रोस्पेक्टिव में देखें तो काफ़ी कम था उनका इस मूवी पर, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, कॉमेडी, लिटिल बिट इमोशन वो चला, और उसके बाद उन्होंने पूरा वे दिखाया कैसे डंकी जाते और वहाँ का स्ट्रगल, ये वो सब चीज़ें, और देन उसके बाद वापस इंडिया वापस आना, तो ठीक है, इट्स नॉर्मल, क्या कर सकते हैं। अच्छा, हाई पॉइंट क्या लगा फिल्म का आपको? हाई पॉइंट यही था कि जो उन्होंने इमोशन दिखाया उसमें, सो वो कहीं ना कहीं टच करे लाइक एज यू नो पब्लिक को, तो वही एक चीज़ है जो मुझे लगता है इसमें इनको सक्सीड करेगी। अच्छा, there is another high point when he was not available. So the court scene where Shahrukh Khan was asked to, for yes, asylum yes, charge. Yes, yes. So it was very patriotic when he said, I have no fear from my country. I'm actually also thinking about moving to Australia from last 3 years. But such kind of things keep me connected with my country. I believe I will never go to another country. Oh, so sweet. Actually, me. मतलब जब मैंने प्रोमो देखे तो प्रोमो से पहले मेरी रेटिंग जो 6 ड्रॉप में था, ये वाला डायलॉग 6 ड्रॉप से पहले 5th ड्रॉप अच्छा था, 5th ड्रॉप, लेकिन अगर 5th ड्रॉप की बात करें वो गाना ज़्यादा बेहतर शूट था बजाय फिल्म के। फिल्म में तो बड़ा नेगेटिव उसमें था, बहुत सैड मोमेंट है, फिल्म में बड़ा पॉजिटिवली फिल्म आएगा ड्रॉप में, स्पेशली ड्रॉप शूट किया गया वो। मैंने एक्चुअली वो सारे देखे नहीं बाद वाले, सो बट कहीं ना कहीं अच्छे थे मुझे वो, सब सही लगे। वो तो बहुत शानदार प्रोमो के अंदर तो और शानदार है, वो थोड़ा रोमांटिक गाना है ना, तो यहाँ तो नेगेटिव उसके अंदर सैडनेस है ना वो, लेकिन उससे थोड़ा पॉजिटिव उसमें फिल्माया गया था, दोबारा फिल्माया गया वो। अच्छा, ड्रॉप 6 5 6 की बात करें, ड्रॉप 6 के अंदर ये वाला डायलॉग था जो आप बात कर रहे हैं, तो आई वॉज मैं कि यार ओके ओके गाना है, लेकिन जब वो गाना आता है तो मैं कहता है यार दिस, ये पॉइंट पकड़ लिया उन्होंने गुड। ये अगर शाहरुख नहीं करते तो शायद मुझे बुरा लगता। Yeah, of course. Shahrukh Khan. So it's true emotion. I was there was one of the guy who got in the stage and danced when yes, that song came. Main Lut Phut Gaya.
So I really got goosebumps. I'm just little bit shy, but I really wanted to go and join in. जाना चाहिए रोका किसने था? अच्छा वहाँ तो इतना अंधेरा था, कोई देख भी नहीं पा रहा था कौन डांस कर रहा है. हालांकि मैंने पहचान लिया, व्हाइट जैकेट थी उनकी, उनका इंटरव्यू हमने किया है तो वो तो हमने देख लिया, लेकिन कौन देख रहा है? इतना शर्माना क्यों चाहिए लाइफ में? सही बात है. ये तो है, मतलब आपको मेरे हिसाब से चिल रहना चाहिए और जो मन में है वो करना चाहिए, एक्सप्रेस तो जरूर दिखाना चाहिए. अच्छा आप रेडी हो तो मैं भी डांस करने होते हैं और बताइए. Yeah, together we can. ठीक है, अभी जा रहा है भाई, फिर चलते हैं उसमें. तो लाइफ का ये फिलॉसफी आप समझ लो अच्छे से, किसी दूसरा क्या कहेगा इसके ऊपर लाइफ नहीं जीनी है कभी भी, कभी नहीं जीनी है. दैट्स द बेस्ट, सबसे वर्स्ट वे है ये लाइफ जीने का, कि अगर मन कर रहा है कर डालो साला, यहाँ तो वैसे भी नहीं पता लगना था किसने किया है. तो खैर, पूरी मूवी का एक्सपीरियंस आपके हिसाब से कितनी रेटिंग्स, कितने स्टार्स? लाइक इमोशन और स्टोरी के बेस पे अगर मैं कहूँ तो 7. आप तो आपको काफी इमोशनली वो करा है. I'm real शाहरुख fan. Okay. I never miss any picture of him. So yeah. When he come on the big cinema, I just got goosebumps. I wanted to cry a lot. So yeah. चलो बस एक आखिरी सवाल. कल आ रही साला आज डंकी, बिना बात का क्लैश हुआ है और मतलब मुझे पर्सनली लगा कि इस तरह क्लैश से बचा जा सकता था, लेकिन स्टिल दो बड़ी फिल्में हैं, डंकी बड़ी फिल्म थी, अब अगली सालार बड़ी फिल्म है. तो डंकी तो आपने देखी, क्या सालार भी देखने का प्लान है? कोर्स देखेंगे, और मुझे ऐसा लगता है सालार के चक्कर में डंकी फंस जाएगी. बिल्कुल, मतलब इतना सही टॉपिक है और कुछ लोग बोलेंगे कि वन टाइम वॉच है ये वो, और उस पर्सपेक्टिव में देखने जाएंगे और वो मूवी आपको बताए फिर वो तो लोग देखेंगे. पूरा साल एक्शन कर रहा है, जितनी फिल्में 500 करोड़ क्लब में पहुंची सब एक्शन की पहुंची हैं, तो ऐसे में आपको भी लगता है डंकी फंसेगी? नहीं, मुझे, मैं तो पर्सनली अब आज अपने घर जाऊंगा पानीपत, सो मैं दोबारा देखूंगा जरूर. सो आई होप अपार्ट फ्रॉम द हेटर्स, आई बिलीव द मोर यू हेट द मोर लव यू स्प्रेड, सो देर विल बी मोर पब्लिक गोइंग इन टू द गोइंग टू वॉच मूवी, सो इट विल डेफिनेटली ब्रेक प्रीवियस रिकॉर्ड्स. मतलब मैं पर्सनली, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ये डाटा वाटा का चक्कर बड़ा खतरनाक है. अच्छी फिल्में पीछे रह जाती हैं और कई बुरी फिल्में आगे निकल जाती हैं, मतलब मेरा अपना पर्सनल मानना है. मैं डाटा वाटा को इसलिए मतलब, लेकिन जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे भी डाटा देना पड़ता है, कलेक्शंस बतानी पड़ती है, लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि डाटा काउंट जो है फिल्मों की हेल्प नहीं करता, उससे बहुत नुकसान होता है, फिल्मों का फ़ायदा नहीं होता है. तो खैर चलिए, हम तो शुभकामनाएँ देते हैं कि डंकी भी चले, सालार भी चले और अच्छी फिल्म ज़्यादा चले. लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक्शन फिल्मों का ज़माना है, तो कॉमेडी कितना दम खींच पाएगी यहाँ पे? इमोशंस हैं तो ज़रूर करेंगी, जैसे आज एनिमल में भी आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स वायरल हुई, बहुत हाइप हो गया उसका, तो सिमिलरली इसका भी होगा. एंड अपकमिंग डेज में आप देखोगे कि अभी बहुत कम लोग थे, बट फुल हाउस भी आपको मिलेगा रेगुलरली. तो आपको भी लगता है हाउसफुल होगा इसका? ऑफकोर्स होगा इसका, मतलब चलेंगे तो दोनों ही. लाइक अभी जैसे OMG 2 भी थी और गदर भी थी, वो MG 2 भी एक अच्छा टॉपिक था राइट, बट गदर 2 के आगे वो फंस गई. तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी मूवीज़ होती हैं ऐसी रेगुलर में, अभी पहले भी बहुत सारे क्लैश हुए हैं. शाहिद का और ऋतिक की मूवी थी बैंग बैंग, और शाहिद की वो थी कश्मीर वाली, तो उसमें वो भी फंस गई थी, बट वो अच्छी मूवी थी. हाँ, हैदर. सो ऐसे सिनेरियो में जो एक बेसिक स्टोरी लाइन वाली जो मूवीज़ होती है ना, और या जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होती है, वो हमेशा यू नो कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाती है क्लैश के चक्कर में. चलो अब तो उम्मीद करते हैं दो सारी फिल्में चलें, अच्छी फिल्में अच्छी ज़रूर चलें, बहुत ज़्यादा चलें. हम तो यही शुभकामना, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. थैंक यू.